हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। बुलंदशहर पहुंचे आयुष व रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक ने सीएए के विरोध में प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के लिए कहा कि जो लोग सो रहे हैं उनको जगाना आसान है। लेकिन जो सोने का ढोंग करते हैं उन्हें जगाना बड़ा मुश्किल है। इसके साथ ही मंत्री जी ने कहा कि सीएए के नाम पर दूसरे दल अफवाह फैला रहे हैं। जनता को भ्रमित कर रहे हैं। मंत्री जी ने आगे कहा, जो अल्पसंख्यक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए हैं, सरकार उनको नागरिकता देने का काम कर रही है। जो कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम रामप्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्लाह खान, इनका एक स्मारक बना है यहाँ, उसका उसके इनॉग्रेशन में एक कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था। ऐसे देशभक्त हमारे देश में पैदा हुए, जिनके कारण आज सरकार तो अच्छी तरह से समझा रही है, लेकिन जो सोया हुआ है उसको जगाना ठीक है, लेकिन जो सोने का ढोंग कर रहा है उसको जगाना मुश्किल है। इस तरह से इस अफवाह को फैला रहे हैं कि आपकी सिटीजनशिप जाएगी, हो जाएगी, हो जाएगी। यहाँ सिटीजन किसी की सिटीजनशिप लेने का या न देने का सवाल नहीं। यहाँ जो सालों से जो कुछ पीड़ित जो माइनॉरिटी करके बाकी देश में थे, पाकिस्तान में थे, बांग्लादेश में थे, अफगानिस्तान में थे, उसके ऊपर अत्याचार कर उनको वहाँ से उनको भागना पड़ा, सब कुछ छोड़ के भागना किया जाए। पार्लियामेंट के दोनों हाउस में पास हुआ है ये, काफ़ी अभी जो लॉ बन गया है, और ये जो लॉ है ये सभी ने मानना चाहिए। और ये काम भारत सरकार ने अपने कंधों पर लिया है। रक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि देश का हर समाज जानता है कि सीए कोई गलत नहीं, बल्कि विपक्ष इसको पॉलिटिकल एजेंडा बनाकर राजनीति कर रहा है। बुलंदशहर के खुर्जा में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की मिसाल कायम करने के लिए खुर्जा स्थित नेहरू पर चुंगी पर क्रांतिकारी अशफाक उल्लाह खां और रामप्रसाद बिस्मिल का एक स्मारक बनाया गया। बता दें कि देश में ये पहला स्मारक है जहां दोनों की मूर्ति एक जगह स्थापित की गई। स्मारक के उद्घाटन के लिए आज आयुष व रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद यसो नाइक खुर्दा पहुंचे। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय योग गुरु पद्मश्री स्वामी भारत भूषण की अध्यक्षता में ये कार्यक्रम आयोजित किया गया। एडिटर इन चीफ इकबाल सैफी के साथ हामिद सैफी, टाइम 24 न्यूज। टाइम 24 न्यूज, जज्बा सच दिखाने का।